सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशने
अपर्णाने कवर्णा च पाटला पाटला हरे पट्टं प्रवरे धाना कलमंजर रंजने अमे अविक्रमाकरा धंधरे जलधंधरे वनदुर्गा च मातंगे मतंगा मणिभोजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चंद्र कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा देव वाराहे लक्ष्मी जागृहे विमला सकर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिला बहुल बहुल प्रेमा सर्व वाहन वाहना दशम दशम वाहने महिषासुर मर्दने मधुगेतवाहंजे च चंदमंजा विनाशने सर्वासुर विनाशा च सर्वधा नवगादिने सर्वशास्त्रमयी सत्य सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेक सहस्रहस्ता च अनेक सस्य धारिणी कुमारे जैक कन्या च केशवी यवती यतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता वरप्रदा बहुधे मुक्तकेशे गाढरूपा महाबला अग्निज्वाला रोचमुखे गाढराते तपस्विनी नारायणी भद्रकाले विष्णुमाया जलधरे शिवधूते कराले च अनन्ता परमेश्वरे कात्यायनी जलालेत्रे मत्तक्षा ब्रह्मवादिनी ज्ञानिदं ब्रह्मे नित्यं दुर्गा नाम सदाशिवम् नासाध्यं विद्यते देवि कृष्णलोके च पार्वती धनं धान्यं सुतं जायं हयं हस्तिनमेव च चतुर्भगं तथा जाने लभे मुक्तिं च जाजने कुमारीं भोजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरे पूजे परया भक्त्या पठे नाम सदाशिवम् तत्सद्धेव वेदेहि सर्वेहि सर्वरेरपि राजानौ दासतां जान्ते राज्याजयमापनुयात् गौरवचनागत्रकगङ्गमेन सुन्दरगर्भरमधुत्रयेन विलक्षयन्द्रं विहा विदग्ध भवे सदाधारिणे पुरारिः भौमवाचानिशामग्रे चन्द्रे सद्विषां गते विलक्षा प्रभुते स्तोत्रं साभवे सम्भदां बलाम् प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ विभूति के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ विभूति की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य के अंदर माँ विभूति की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ विभूति की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ विभूति की स्तुति करते हैं। आरती के इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों के प्रार्थनाओं को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थनाओं को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें आपकी मनोकामना को आपके मनोरथ को पूर्ण करें। ये आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्यकर्म माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षयफल होता है। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपकी सुख समृद्धि के लिए आपके अवधि के लिए आपके उन्नति के लिए आपकी दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं धन धान की वृद्धि करने वाले हैं। जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक
इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं। माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन, वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते हैं, उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होती है, दीर्घायु को प्राप्त होती है, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजननी ने माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणान भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देव्यः कवच ॐ अर्चुण्डे कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनष्टवछन्दः चामुण्डाभिर्भरता अङ्गण्या साक्तमाचारेण जगभङ्गदेवता सत्त्वं श्रीजगदम्बाभिर्दधे सदृशदेवाढाङ्गत्वेन ॐ नमः शण्डिकाये मारिखण्डे उवाच ॐ गर्भयम्बरमङ्गलोके सर्वरक्षागरम् नाम जन्मकस्याच साक्षादमे लोहे पितामहा ब्रह्म उवाच अस्तुमं विप्रा सर्वभूतोपकारकम् महामने प्रथमं जालपुत्रे द्वितीयं ब्रह्मचारिणे तृतीयं चन्द्रखण्डे कृष्णादेति जलोदकाम् पञ्चमं स्कन्दमादेति दशं कात्यायने द्विज सप्तमं कालराज्येति महाघरेति जाचमम् नवमं सिद्धिधाते च नवदुर्गापकेति उक्तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अभिनादयमानश्च यज्ञभक्ते गदारणे विष्णे दुर्गमे चेद व्यार्थाजरणङ्गता नातेजाङ्गायते किञ्चिदजभ्रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्याने लघदुर्गामयं नहि येषुभक्त्या सुमृदानो न तेषां वृत्तिभयायते ये स्वाम् समरञ्जने रक्षदेतानसंशयः प्रेतसंसादुषामुण्डमाणाहेमहिजासनाम् इन्द्रियजसमारूढा वैष्णवीगरुडासना माहेश्वरीर्षकारूढा गोमारेजिगवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरे प्रिया श्वेतरूपलटा देवी ईश्वरी विगवाहना ब्राह्मी हंसुमारुरसर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरा सर्वः सर्वयोगसमन्विता नानावर्णशोभाद्या नानारत्नापजोविदा दृश्यन्ते रथमारुढा देव्या क्रोधसमाकुला शङ्खचक्रं कदाञ्चन्ते अलं जामदरा यदां चेतकं तोपरञ्चैव परजं वाचमे भज कृष्णाजुतं त्रिशूलं च धारणमायदमत्तमाम् देव्यानां देहनाशाय भक्तानाम विहाय च धारयन्त्याजुधानिधं देवानां वेदाय नमस्तेऽस्तु महारौद्र महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाबले विनाशने त्राहिणां देवि सुश्रेय यत्र नामयवर्धने प्राचमर्चितमामेन्द्रे अग्निनामग्निदेवता दक्षिणेव द्वाराये नैरुत्यं खड्गधारिणे प्रतिचावारणे रज्ञ वायभ्यामिगवाहिनि उदिचा पादुकौमारे यजानं शरधारिणे अर्थं ब्रह्माणि मे रज्ञे अदस्ता वैष्णवी तथा एवं रज्ञे चामुण्डाजमवाहना जया मे जागृतः पादो मिलिया पादो भ्रष्टितः अदिलाभामभाजेदो दक्षिणे चापरायिता शिखामुद्योदने अजय उमामूर्ति विवर्तिता
प्राप्णाते वर्षो नित्यमहामायाप्रसादः
जय जय हे महिषासुर मर्दन रंग कपर्दन जय 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 जय
जगदायन में कृपया लास्ट पेज नंबर 30 माँ से क्षमा प्रार्थना है। क्षमा प्रार्थना अपराध सहसारे हर निशा शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आपसे भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से आवाज निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो। हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। प्रिय बंधु,
माँ भगवती के नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है। वास्तव में जो भक्तजन सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से इसमें जगजननी यक्त माता के शरणागत होकर के माँ भगवती की आराधना करते हैं, माँ का ध्यान करते हैं, माँ भगवती स्तुति करते हैं, माँ भगवती के चरणों का ध्यान कर करके प्रतिदिन निज रूप से माँ भगवती के चरणों में नतमस्त होते हैं, अपना मस्तक माँ के चरणों झुकाते हैं, इस माँ जगजन ने जगत माता की उन शरणागत भक्तों पर सदा सर्वदा पूर्ण कृपा बनी रहती है और माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से वह भक्तजन वह साधकजन जो भी अपने मन में चिंतन करते हैं माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उनके समस्त मनोवलक्षित कामना जो है वह पूर्ण होती है और वह सर्वत्र जो है परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। इसलिए इस कल्याणमय देवी की पूजा माँ की आराधना माँ की अर्चना जिस सब ओर से परम कल्याण को देने वाली ही जय भगवती जय प्रसन्न होती है। इस प्रकार से भक्तियां जब माँ की आराधना करते हैं और माँ प्रसन्न होकर के उन्हें आशीर्वाद देती हैं तो माँ के आशीर्वाद से उन भक्तों को जो है परम ईश्वर की प्राप्ति होती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है, निरोगी जीवन प्राप्त होते हैं, धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, शत्रु और विजय प्राप्त होती है और इस प्रकार से जो है वह धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजन जगत माता की आराधना अर्चना करते हुए परम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात इस लोक में स्वसुख का भोग करते हुए अंत में उनका परलोक जो है वह कल्याण में हो जाते हैं। इसलिए कल्याण का मनुष्य को जो है इस कल्याण में देवी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। देवता भी जो है इसी माँ भगवती की शरणागत होकर के माँ भगवती की आराधना करते हैं। देवता पर भी जब किसी प्रकार संकट विपत्ति आती है तो संकट काल में समस्त देवता गण भी सभी एकत्रित होकर के माँ का स्तवन करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं और यही भगवती आदि शक्ति उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर करके किसी न किसी रूप में इनका प्रादुर्भाव होता है, जब प्रकट होते हैं देवताओं का कार्य सिद्ध करती है, भक्तों की रक्षा करती है, पापियों का नाश करती है। कहते हैं कि पूर्व काल की बात है कि देवताओं और देवतों का जो है 100 वर्षों तक जो है निरंतर जो है युद्ध चलता रहा। उस समय माँ भगवती आदि शक्ति देवताओं पर प्रसन्न थी, देवता पर माँ की कृपा थी तो देवताओं के युद्ध में जो है विजय हुई और दैत्य जो थे युद्ध में पराजित हुए। दैत्य जो थे उनने जो है जहाँ स्वयं पृथ्वी लोक को छोड़ करके वे पाताल में चले गए और सभी देवगण जो है दैत्यों को पराजित कर करके बड़े प्रसन्न हो गए। सभी जो है अपनी अपनी शक्ति बखान करने लगे कि हम इतने शक्तिशाली हैं कि हमने दैत्यों को यहाँ से मार भगाया। अभिमान हो गया, अहंकार हो गया तो कहते हैं कि जीवन में जो व्यक्ति अपना उदय चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, अपने जीवन सुख शांति चाहते हैं, उसे कभी भी अहंकार अभिमान जो है ये नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार का चाहे वह धन शक्ति है, चाहे ज्ञान शक्ति है, चाहे कोई उच्च पद की शक्ति है, इस प्रकार कई जो है मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें जो कुछ मिला हुआ है ये सब उसी की कृपा से मिला है, ये शरीर उसी की कृपा से मिला हुआ है, ये धन संपत्ति यश मान कर जो है सब जो है उसी कृपा से मिला हुआ है। उसी के चरणों में नतमस्तक होकर के जो भक्तजन जो है इस प्रकार धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हैं, भलाई के जो है दूसरों का भला करते हैं, कभी दूसरों के प्रति बुरे विचार नहीं रखते हैं, तो ऐसे साधक जो है उनके जीवन में कभी कोई क्लेश कोई कला कोई दुख नहीं होते हैं, बस सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। देवताओं का अभिमान हुआ अहंकार हुआ और अपनी शक्ति का हम शक्तिशाली हैं, हमने जो है देवताओं को मार भगाया तो माँ भगवती ने देखा कि देवताओं को अहंकार हो गया है। अहंकार होना जी अच्छी बात नहीं, इसलिए देवताओं के कल्याण के लिए माँ भगवती ने जहाँ पर देवगण जो है इस पर एकत्रित हुए जो है अपने अपनी शक्ति उखाण कर रहे थे, भाई सामने माँ भगवती एक यक्ष के रूप में प्रकट होगी। यक्ष के रूप में प्रकट हुई, उस यक्ष का इतना तेज था कि दो दशाओं को जो है प्रकाशित कर रहा था।
ये सब देख करके देवता जो है आश्चर्यचकित हुए, ये क्या है ये क्या है। और उसको जानने के लिए जब उन्हें विचार किया तब अग्निदेव को इंद्र ने बुलाया और कहा कि आप अग्निदेव हैं, बड़े शक्तिशाली हैं, इसलिए आप जाइए और पता लगाइए ये यक्ष कौन है। तब जो है अग्निदेव ने वह अहंकार युक्त हुआ वहां पर आया और जो है वो यक्ष पूछा कौस्तम आप कौन है। तब यक्ष के रूप में महाभक्त ने कहा कि पहले आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं और आपकी क्या शक्ति है। तब जो है उन्होंने कहा, अग्निदेव जी कहने लगे, मैं जात वेदा नाम की अग्निदेव हूँ, मैं अग्निदेव हूँ और इस प्रकार से मुझ में जो शक्ति है मैं चाहूँ तो पूरे विश्व को जला करके राह कर सकता हूँ। तब जो है यक्ष ने एक तिनका सामने रखा और कहा इसको जला करके दिखाइए। तब अग्निदेव ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी और वो तिनके को जला नहीं सका, लज्जित होकर के वापस लौटा और आकर के सारी घटना बतलाई, वह यक्ष का पता नहीं लगा सका। तब जो है इंद्र ने वायुदेव को बुलाया और कहा हे वायुदेव, पूरा विश्व जो है आपकी कृपा से चलता है, क्योंकि वायु न हो तो जीव जीवित रह नहीं सकता, आप पर जो सबके प्राण जो है वह निर्भर हैं, इसलिए अभी आप जाइए और जाकर यक्ष का पता लगाइए। तब जो है इंद्र ने जब जो है इस प्रकार से वायुदेव की प्रशंसा की तो वायुदेव को और अहंकार हुआ, तब यह अहंकार युक्त हुआ जब यक्ष के पास पहुंचा और जाते ही उसे पूछे कौस्तम कौन है आप। तब जो है यक्ष ने कहा पहले अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं और आपकी क्या शक्ति है। तो उसने कहा मैं तो वायुदेव हूँ और मुझ में इतनी शक्ति है मैं चाहूँ तो पूरे विश्व को उड़ा सकता हूँ। तब जो है यक्ष गृह में माँ भगवती ने वही तिनका सामने रखा और कहा इस तिनका को उड़ाइए। तो वायुदेव ने संपूर्ण शक्ति लगा दी परंतु उस तिलका वह तिनका जूता हिल तक नहीं सका। तब जो है वायुदेव लज्जित होकर के वापस लौटा और आकर के सारी घटना बतलाई, मैं यक्ष का पता नहीं लगा सका। तब सभी देवताओं ने इंद्रदेव से कहा महाराज आप हमारे राजा हैं, आप बड़े हैं, आप जाइए और जो है यक्ष का पता लगाइए। तब जो है अब यक्ष जो है इंद्रदेव भी अहंकार से युक्त हुआ वहां पर आया, जैसे वहां पर पहुंचता है उसी क्षण यक्ष जो था वहां से अंतर ध्यान हो गया। बोले सच्चे दरबार। और राजा इंद्र जी बड़े लज्जित हुए, कहते हैं कि देवराज इंद्र जो है वहीं पर उसी स्थान पर बैठ गए और बैठकर पद्मासन लगाया और माँ भगवती जो है माँ भगवती महामाया का जो है वह ध्यान करने लगे, माया बीज का जप करने लगे। कहते कि बहुत समय तक जो है इंद्र ने वहां पर माँ की साधना की, माँ की आराधना की, माँ को प्रसन्न करने के लिए माया बीज का जप करते रहे, माँ का ध्यान माँ का स्मरण करते रहे। बहुत समय के उपरांत माँ जो है इंद्र पर प्रसन्न हुई और माँ भगवती ने इंद्रदेव को साक्षात दर्शन दिए। बोले सच्चे दरबार। माँ भगवती जब जो है साक्षात इंद्रदेव के सामने प्रत्यक्ष जो खड़ी हो गए तब दर्शन दिए, तब जो है इंद्रदेव बड़े प्रसन्न हुए। इंद्रदेव ने माँ भगवती के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, फिर दोनों हाथ जोड़ करके माँ की स्तुति की। तब जो भगवती ने कहा कि इंद्रदेव मैं आपकी स्तुति से प्रसन्न हूँ, कहिए आप क्या चाहते हैं। तब इंद्रदेव ने कहा और भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए, इस प्रकार से भक्ति हो कि माँ स्वयं पूछे कि बेटा आप चाहते क्या हो। ध्रुव भक्त ने भक्ति की तो भगवान स्वयं आए, प्रहलाद ने भक्ति की तो भगवान स्वयं आए, शबरी ने भगवान का स्मरण किया भक्ति की तो भगवान स्वयं माँ जो है शबरी का जो है वह पता पूछते हुए वहां पर आप पहुंचे। इसलिए भक्ति में बड़ी अद्भुत शक्ति होती है। इस प्रकार से जब जो है माँ भगवती ने इंद्रदेव से पूछा कि आप चाहते क्या है, तब जो है इंद्र ने कहा कि माँ कुछ समय पहले यहाँ पर एक यक्ष प्रकट हुआ था, अद्भुत तेज था उसका जो दशों दिशा का प्रकाशित कर रहा था, मैं ये जानना चाहता हूँ वह यक्ष कौन था। तब माँ ने कहा कि देवराज वह यक्ष के रूप में मैं ही थी, कोई और नहीं था मैं ही थी। आप सभी देवगण जो है मुझ माया माँ भगवती को जो है आप जो है मुझ आदि शक्ति को भूल गए थे, आप सब देवताओं का अहंकार हो गया था कि हम जो इतने शक्तिशाली हैं। तो देवताओं कभी अहंकार मत करना,
मेरी शक्ति से संपन्न होकर के ही आपने जो है द्वैत्व पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए यदि आप अपना कल्याण करना चाहते हैं तो मुझ देवी को जो है कभी भूलना मत, मेरा स्मरण करना, मेरा ध्यान करना, और फिर आपके जीवन में कभी किसी प्रकार संकट विपत्ति नहीं आएगी। तो कहते उस समय जो है माँ भगवती ने इंद्रदेव को आशीर्वाद दिया, सभी देवताओं ने एकत्रित होकर के माँ की पूजा की, सब देवताओं द्वारा पूजित होने के उपरांत जो है माँ ने सबको आशीर्वाद दिया और वरदान दिया कि अब जब जब भी किसी भी संकट काल में आप मुझे याद करोगे, मैं किसी न किसी रूप में प्रकट होकर के आपकी रक्षा करूंगी, और मृत्यु लोग में जो भी भक्तजन श्रद्धा युक्त होकर के मेरा ध्यान मेरा स्मरण करेंगे, मैं उनके समस्त बाधाओं को दूर कर दूंगी। सर्वा बाधा विमुक्तो धन धान्य सुतन विदः मनुष्यमंत प्रसादेन विविष्यति न संशयः। मैं उनके समस्त बाधाओं को दूर कर करके उन्हें धन धान्य से समृद्ध करूंगी, पुत्र पुत्र सुख से युक्त करूंगी और सब वर्षण भक्तों का कल्याण करूंगी। इसमें किसी को किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। वास्तव में जय भगवती यदि शक्ति या देवी सर्वभूतेशो शक्ति रूपण संसिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। जय चराचर संसार में जितने भी जीव हैं सबके अंदर यही भगवती मंगलमय शक्ति के रूप में भाषित हो रही है, जिसकी शक्ति से हम सभी संपन्न होकर के अपना अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं। नेत्र शक्ति देखते हैं, कान शक्ति से सुनते हैं, जिह्वा की शक्ति द्वारा बोलते हैं, बुद्धि की शक्ति द्वारा मनन करते हैं, समस्त शरीर की शक्ति से सब प्रकार के कार्य जो हम ठीक प्रकार से करते हैं। जब जो है किसी शक्ति से हम हीन हो जाते हैं, नेत्र शक्ति कमजोर हो जाती है, सब यही कहते हैं हम नेत्र शक्ति इसकी क्षीण हो गई है, अब जो है देखने में असमर्थ है। सुनने की शक्ति चली जाती है तो सब यही कहते हैं कि अब कान की शक्ति चली गई है, सुनने की शक्ति नहीं रही, इसलिए सुन नहीं सकता। तो कोई ये नहीं कहता है कि जो है जो ब्रह्माहीन हुआ, विष्णुहीन हुआ, इंद्रहीन हुआ है, बाजूहीन हो गया है, सब यही कहते हैं अब जो शक्तिहीन हो गया है, क्योंकि शक्ति संपन्न होकर के हम सब प्रकार की जो कार्य करने समर्थ होते हैं, उस शक्ति को देने वाली जय भगवती ही, चाहे वह देवता है, चाहे जय चरचर जितने भी जीव हैं, मानव हैं, दानव हैं, यक्ष हैं, दैत्य भी जो हैं इसी भगवती की उपासना करते, शक्ति उपासना करते हैं। मधु केतु ने माया की आराधना की थी और भर प्राप्त किया था इच्छा मृत्यु का, क्योंकि जब जो शक्ति प्राप्त होती है तो उसका अभिमान भी होता है, जब अभिमान होता है तो अभिमान ही जो है विनाश का कारण होता है। रावण ने अनेक शक्ति प्राप्त की थी और जो अभिमान हुआ तो क्या हुआ, विनाश हुआ। तो इसलिए कहा है कि कभी भी जो हमारे पास है, जो कुछ भी है, ये सब उसी की कृपा है, उसी का दिया हुआ है, हमारा कुछ भी नहीं। शरीर मिला है, कब तक मिला है ये कुछ पता नहीं, कब समाप्त हो जाएगा, ये सब उसी की कृपा है। इसलिए उसी के शरणागत होकर के जो है धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मन को कर्म करते हुए माँ भगवती को, इस भगवती जगजननी को कभी किसी को भूलना नहीं चाहिए, ये आदि शक्ति है। और इस प्रकार से जो माँ की साधना करते हैं उनके जीवन में कभी कोई कष्ट, कोई क्लेश, कोई कला नहीं होती। जय भगवती उस ग्रस्त में, जिस घर में माँ की पूजा, माँ की जो जगह जाती है, जय भगवती उस ग्रस्त में लक्ष्मी को विराजमान होकर के अभेद को देती है, उन्नति को देती है, सुख देती है, शांत देती है, सब क्लेशों को दूर करती है और सर्वत्र जो है मंगल मंगल करती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो सभी भक्तजन माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। जो मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है, इसी मंत्र द्वारा उस समय इंद्रदेव ने भगवती की साधना की थी और माँ का साक्षात्कार कर लिया था। तो आप सभी इस मंत्र को अपने हृदय में ध्यान करके प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल इस मंत्र की एक माला जब अवश्य करें, और फिर माँ भगवती के जब विशेष दिन होते हैं, अष्टमी नवमी चतुर्दशी माँ भगवती के विशेष दिन होते हैं, और नवरात्र जो नौ दिन जो नवरात्रों में माँ भगवती के विशेष शक्ति पूजन, शक्ति संवर्धन के दिन होते हैं, शक्ति संचय के दिन होते हैं, और उन दिनों में जितने इस मंत्र का जप कर सकें अपने बच्चों भी कहें, स्वयं भी जो है इस मंत्र का जप करें, क्योंकि इस मंत्र का जप करने से इन तीनों शक्ति की प्राप्ति होती है, शरीर शक्ति, धन शक्ति और ज्ञान शक्ति, बुद्धि शक्ति। तो इस प्रकार से जिस भक्त को इन तीनों शक्ति की प्राप्ति हो जाती है उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी रहती नहीं। तो सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे।
चामुंडाय विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं 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 चामुंडाय विच्चे बलसच्चेद्र भारती जय। सभी भजन की वेला निवेदन करा श्री मंदिर से मां के चरण भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्तों से कीर्तन सहयोग दिन से मिलकर बोलना ताली बजाते श्री मंदिर जी जयकारा शिरोमणि जी का बोल सच्चे दरबार की तेरे पूजन को है मां बना मन मंदिर आलीशान तेरे पूजन को है चालीस में हाथ खुल कर लगाइए ऐसे ढीली ताली नहीं ताली की आवाज माँ के दरबार तक पहुंचे। एक बार सभी भक्त जन अपने अपने हाथ ऊपर उठा कर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिरी दीजिए। हाथ सभी ऊपर माँ भगवती आप भक्तों की हाजिरी स्वीकार करें। आपके झोलियां भरे आपके मुरादें पूरी करें आपका जीवन खुशियों से भर देता है। तेरा है पाया किसने जानी तेरी माया जिसने भेद तेरा है पाया किसने जानी तेरी माया जिसने भेद तेरा है पाया किसने जानी तेरी माया किसने भेद तेरा है पाया। हरे ऋषि मुनि कर ध्यान बना मन मंदिर देखी तेरी सूरत कौन बनावे तेरी मूरत किसने देखी तेरी सूरत कौन बनावे तेरी मूरत निराकार है मां बना मन मंदिर आलीशान तू है निराकार है मां बना मन मंदिर आलीशान ओ तेरे पूजन को है मां बना मन मंदिर मन मंदिर आलीशान
Yeah.
Oh,
घट घट निभो बसने वाली सारे जग को रचने वाली ओ घट घट में बसने वाली हो तू लीला हो तू लीला हो तेरी लीला है मान्यारी तेरी शेर वाली भैया हो तेरी लीला है मान्यारी मेरी शेर सर्व देवता तुम्हें दियावे ब्रह्मा दिक पार न पावे सब देवता तुम्हें दियावे ब्रह्मा में पार न पावे सुर नर मुनि जाओ सुर नर मुनि जाओ सुर नर मुनि गए बलिहारी मेरी शेर वाली मैया सुर नर मुनि गए बलिहारी शक्ति की दाता तू सबकी भाग्य विधाता सबकी जहो सबकी जहो सबकी पालन हारी मेरी शेर वाली मैया ओ मां सबकी पालन हारी मेरी शेर वाली मैया हमारे शरण दिहारी मेरी शेर वाली मैया शरण बिहारी तेरी शेरों वाली मैया जय जग जंबे जग जननी हम दास आए तेरी शरण जय जग जंबे जग जननी हम दास आए तेरी शरण हो तेरा नाम जहो तेरा नाम जहो तेरा नाम बड़ा सुखकारी तेरी शेर वाली मैया तेरा नाम बड़ा सुखकारी मेरी शेरों वाली मैया हमारे शरण तिहारी मेरी शेरों वाली मैया हमारे शरण तिहारी मेरी शेरों वाली मैया मेरी शेरों वाली मैया मेरी शेरों वाली मैया मेरी शेरों मैया ओ मेरी मेहरों वाली मैया विजय कुमार जी जयकारा श्री वालिदा बोल सचे दरबार की जय आ जाओ जंगल के राजा 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 मेरी मैया को लेके आ जा जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आ जा जंगल के राजा मेरी
तेरी मैया तो लेके आ जा जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आ जा। ओ मैंने आस की जोत जगाई मैंने आस की जोत जगाई मेरे नैनों में माया समाई जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आ जा जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आ जा। हर पल माँ के संग विराजो धन तुम्हारी भक्ति है हर पल माँ के संग विराजो धन तुम्हारी भक्ति हर पल माँ के संग विराज धन्य तुम्हारी भक्ति है हर पल माँ के संग विराज धन तुम्हारी भक्ति है शक्ति का तुम बोझ उठाते अजब तुम्हारी शक्ति है शक्ति का तुम बोझ उठाते अजब तुम्हारी शक्ति है तेरे सुंदर नैन कटीले ओ रंग के पीले पीले तेरे सुंदर नैन कटीले ओ रंग के पीले पीले मेरी माँ को मुझसे मिला जाओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आ जा आ जा जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आ जा आ जाओ जाओ जंगल के राजा जाओ आ जाओ आ जाओ जंगल के राजा जाओ आ जाओ जंगल के राजा जाओ आ जाओ आ जाओ जंगल के राजा जाओ आ जाओ पवन रूपी माँ के प्यारे चाल पवन की आ जाओ देवों की आंखों के तारे आकर मत मा जाओ देवों की आंखों के तारे आकर मत मा जाओ आ कहने से तुझे सजाऊं पाओ में घुंघरू पाओ में घुंघरू पहनाओ जाओ डोले और बाजा जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आ जा राजा जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आ जा पाके सम्मुख भोली माँ को दिल की बातें कर लूँ मैं आके सम्मुख भोली माँ को दिल की बातें कर लूँ मैं हाथ बुझा लूँ जन्मों की और खाली झोली भर लूँ मैं हाथ बुझा लूँ जन्मों की और खाली झोली भर लूँ मैं अपने चरणों की धूल लगा लूँ मैं सोया नसीब जगा लूँ आगे चरणों की धूल लगाऊं मैं सोया नसीब जगाऊं मेरे दुख संताप मिटा जाओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आ जा जाओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आ जाओ आ जाओ जंगल के राजा आ जाओ आ जाओ आ जाओ जंगल के राजा आ जाओ मैंने आज की जोत जगाई मैंने आज की जोत जगाई वो मेरे नैनों में माया समाई मेरे नैनों में माया समाई वो मेरे सपने सच
तू बना जा, मेरी मैया को लेके आ जाओ जंगल के राजा, मेरी मैया को लेके आ जाओ जंगल के राजा, मेरी मैया को लेके आ जा, 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 मेरी मैया को लेके आ जा। जयकारा श्री रामलीला बोल सच्चे दरबार की जय। आरोड़ा सुधंस भक्त जगण दक्षण चक सूत्र बामे हस्त दिव्यांभ कंकमय पुस्तक जन गम्य साधन भदंत स्वतर प्रजप शास्त्र जन शब्द प्रेणंत दिव्य रूपा कर कमलधर भारती सुप्रसन्न सच्चिया ज्योत वाली माता तेरी सदा जय। आज का पंचांग विक्रमादित्य से संबद्ध 2075 उत्तरण उत्तर गोल बसंत ऋतु चैत्र मास की आज 12 प्रविष्टि ही कृष्ण पक्ष आज पंचमी तिथि ही सोमवार तदनुसार 25 मार्च सन 2019 के दिन प्रातः काल आरती के समय आप भक्तजनों को माँ भगवती की असीम अनुकंपा से माँ भगवती के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े ही भाग्यशाली ही पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में माँ के चरण में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ ही। माँ वैष्णो देवी की इसी तरह से भक्तों की कृपा बढ़ी रहे और माँ वैष्णो देवी प्रसन्नता पूर्वक आप भक्तों को अपने दरबार में बुलाती रही, अपना आशीर्वाद आपको देती रही और माँ के आशीर्वाद से आप भक्तों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि हो, आपके घरों में आपके परिवार में सुख समृद्धि हो, आप उत्तरोत्तर उन्नतशील हो, उन्नति को प्राप्त हो और माँ वैष्णवी हर स्थान पर देश विदेश में हर क्षण हर पल अंगसंग आपकी रक्षा करें, आपकी दीर्घायु करें, आपके कारोबार में वृद्धि करें, सर्वत्र आपका मंगल ही मंगल करें। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भवे संतति भाने भवे श्रीमान यशस्वी भवे प्रज्ञा भाने भवे भूर्भूत करणे धाने कनिष्ठ भव तेजस्वी भव धैर्य गर्भदलने व्यापार दक्ष भव श्री शंकर पाद पंडित सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्रणाम देश शरीरवर्चस्व आयुष्यम आरोग्यम अविदात् शुभमानम हियते धनम धान्यम पशु बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धन्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक कर। बोल सच्चे दरबार तभी माँ भगवती की आरती होगी। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे, सम्मिल कर बोलना ताली बजाते हैं। ओम जय मैया जी को निषेध
निषदि न जावत हरि नमामिव ओम जय अम्बे गौरी सत्य जत वाली माता तेरी सदा समनार्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा पास नहीं है नाम बड़ा नहीं काम बड़ा नहीं माँ नहीं बड़ा कुल धाम शरण माँ पाया धर्म मार्ग मुझको न सुहाते सदा कुमार मुझको भाते मन चंचल तेरा ध्यान न करता माँ बड़ा चपल नादान शरण माया घर बाहर से हूँ ठुकराया विषयों में भटका घबराया समय गवा कर मैं पछताया विषय सर्प मन दशा शरण माया माँ विपदा ने मुझे घेरा अब कोई न मेरा बिन तेरे अब कोई न मेरा दीन बंधु मा नाम है तेरा करो सफल निज नाम शरण माया पूजा भेटा कुछ नहीं लाया मंत्र यंत्र गुरु ज्ञान भुलाया पाप भार से शीश झुकाया माता कर कल्याण शरण माया माँ भक्तों को तुमने तारा सारथ रत्न रघु पुत्र सारथ रत्न पुत्र जगत में होते पुत्र पुत्र जगत में होते माता देखे उन्हें न रोते माँ वैष्णो कर कल्याण चरण क्षमा करो अपराध शरण माया दरबारी की जय। तब परम पूज्य पुजारी जी माँ भगवती की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गई।
इस पवित्र गुफा का पूजन करके अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत मां विभूति की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और मां विभूति से अपने कल्याण के लिए परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय माता दी, 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 जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, जय जय अम्बे, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, 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 जय जय अम्बे, हरि की जय। सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर के मां से प्रार्थना करेंगे, सब मिलकर के बोलना सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परमं सुखम देहि मे परमं सुखम रूपं देहि जयं देहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि यशो देहि यशो देहि ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः शान्तिः आरती क्रम देखे सुने और मन मन मां भगवत के नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं, आप सभी आरती का आनंद लीजिए और मां से प्रार्थना कीजिए, मां भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। आनंदे आनंद करो कल्याणे कल्याण मैं आठ पहर चौसठ घड़ी जो चरणादा ज्ञान जय
आशीर्वाद प्राप्त हो, साथी मनोकामना पूर्ण हो, वो सच्चे भूषाण
What a shame.